नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में प्रशासन की टीम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, शहर के कई इलाकों में चला बुलडोजर। डीएम ने अवैध कब्जा हटाने का दिया है निर्देश। उन्नाव में पुलिस की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आज शहर के सब्जी मंडी निकट बने पक्के निर्माण को तोड़ते हुए सब्जी व फल विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है। आईबीपी चौराहे पर प्रशासन को देख लोग खुद अतिक्रमण हटाते दिखे। एडीएम का कहना है कि यह अभियान नियमित रूप से चलेगा। इसके पहले भी अतिक्रमणकारियों को अवगत कराया जा चुका है। उन्नाव शहर में जाम की समस्या वर्षों पुरानी है। यहां की सड़क इसी अतिक्रमण की वजह से सक्रिय हो गई है। दुकानें सड़क पर सस्ती और वाहन फुटपाथ पर, ऐसे में राहगीरों के लिए मुसीबत इससे बड़ी कोई नहीं है। इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए डीएम गौरांग राठी ने 25 मई को तहसील पुलिस पालिका आरटीओ से सर्वे कराया था। सर्वे की रिपोर्ट डीएम को मिली तो पूरे शहर में सिर्फ कब्जा ही कब्जा था। जहां फुटपाथ थे, जहां फल मंडी सजी है, बड़े व्यापारी अपनी कार सजाते हैं, फास्ट फूड सारी पर्दे की दुकानें लगाई जा रही। इस पर डीएम ने नाराजगी जताई और बीते बुधवार को सड़क पर उतरे थे। जायजा लेते हुए बिंदुवार निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के पालन में चौथे दिन फिर तहसील पुलिस पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। सबसे पहले हनुमान मंदिर के बाहर तक फैली फूल मंडी को हटाने के लिए ही दूसरे छोर पर साइकिल दुकानों को सड़क से किनारे कराया गया। टीम आगे बढ़ी, फिर सब्जी मंडी पहुंची। यहां ठेला या फुटपाथ वाले दुकानदारों ने पक्के निर्माण कर बैठ की बना ली थी। इसे हटाने के लिए पालिका ने जेसीबी का उपयोग कर तोड़ दिया। बड़े चौराहा स्थित अताउल्ला नाले के पहले तक चेतावनी देते हुए माइक से अनाउंस भी किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।